पटना में सब इंस्पेक्टर द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड किए जाने के मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि पुलिस के अनुसार मृतक सब इंस्पेक्टर पूर्व से ही तनाव ग्रस्त था, तो उसकी थाने में तैनाती का उद्देश्य क्या था तथा घटना के 15 दिन पहले स्टेटस पर किस कारण से लिखा गया था कि पुलिस का सहयोग नहीं करती और क्या वजह थी कि मृतक सब इंस्पेक्टर परेड से लौटकर थाने में आमद न देकर किस कारण से नौकरी छोड़ना चाहता था। श्री चौधरी ने कहा यह भी अंदेशा है कि मृतक सब इंस्पेक्टर अपने विभाग के अफसरों से संतुष्ट नहीं था और घटना की जांच की सुई पुलिस विभाग की ओर होने के कारण घटना से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मृतक सब इंस्पेक्टर के साथ ट्रेनिंग के दौरान पुलिस लाइन की कार्यप्रणाली तथा ट्रेनिंग उपरांत थाना बंडा में उसकी आमद न देने के बीच में घटनाक्रम की अगर निष्पक्ष जांच होती है तो बड़ा खुलासा हो सकता है। श्री चौधरी ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि समूचे प्रकरण के विभिन्न पहलुओं की मजिस्ट्रियल जांच की जाए, अन्यथा स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। जी बताएं, जो बंडा में सब इंस्पेक्टर द्वारा सुसाइड किए जाने का मामला सामने आया, उसमें क्या कहना है? इस घटना में कांग्रेस पार्टी की ओर से हम जानना चाहते हैं कि तनावग्रस्त सब इंस्पेक्टर की तैनाती करने का उद्देश्य उस थाने में क्या था? ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के लौटने के बाद किन अधिकारियों के नोटिस और किन अधिकारियों के द्वारा की गई बातों से वह तनावग्रस्त था? ट्रेनिंग से लौटने के बाद वह थाने में आवेदन देने की अपेक्षा नौकरी क्यों छोड़ना चाहता था? इन सारे के सारे बिंदुओं की जांच निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। चूंकि इस मामले में पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला है और इसमें सीधे तौर पर पुलिस पर शंका की सुई जाके रुक रही है, ऐसे मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ किए जाने के अंदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी मांग है कि इस समूचे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय मिल सके। अगर इस तरीके के पुलिस द्वारा साक्ष्यों के छेड़छाड़ कर मामले को दबाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। वॉइस ऑफ राइट के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।